नमस्कार, मैं सारिका, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत में एक दिन में 5,282 मरीज पड़े, तो वही 51,220 स्वस्थ हुए। अब तक भारत में 19,06,000 मामले दर्ज हुए। उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बीएस येदियुरप्पा, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 1,86,97,917 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,19,13,908 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,04,932 की मौत हो चुकी है। ब्राजील के कैबिनेट मिनिस्टर जॉर्ज ओलिवेरा संक्रमित हैं। उनके ऑफिस ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। ओलिवेरा ठीक होने तक आइसोलेशन में रहेंगे और अपने घर से ही काम करेंगे। ब्राजील में किसी मंत्री के संक्रमित होने का ये 8वां मामला है। इससे पहले यहाँ के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और उनकी पत्नी मिशेल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यहाँ पर अब तक 20,00,000 से ज्यादा मामले आए हैं और 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार।